दोस्तों अभी हम शेख जायद रोड पहुंच चुके हैं। शेख जायद रोड में ही है आपका फ्यूचर म्यूजियम। शेख जायद रोड में बहुत सारा होटल वगैरह बना हुआ है। अभी हम शेख जायद रोड में ही खड़े हैं। ये बिल्डिंग वगैरह आप देखे होंगे बहुत सारे, हम लोग का बॉलीवुड का जो फिल्म वगैरह है उसमें अक्सर दुबई का कोई शूटिंग होता है तो शेख जायद रोड दिखाते रहते हैं। तो अभी हम लोग वहीं पर ही है। ये आप सामने देखिए, वो जो अरेबिक में कुछ लिखा हुआ जो बिल्डिंग है वही है आपका फ्यूचर म्यूजियम। और इसके पीछे है बिजनेस सेंटर, यहाँ का फाइनेंशियल सेंटर है। तो इसके पीछे ही है। आप अगर आना चाहें डायरेक्ट मेट्रो से तो वही मेट्रो पकड़िए। शेख जायद रोड जो है यहाँ गाड़ियाँ बहुत ही तेज जाते हुए, बहुत ही तेज, हर वक्त यहाँ गाड़ियाँ तेजी जाते हैं। तो अभी आप देख सकते हो आगे बुर्ज खलीफा। तो अभी हम लोग इसका और नज़दीक जाते हैं, नज़दीक जाके वीडियो करके आपको बताते हैं। अभी हम फ्यूचर म्यूजियम के पास पहुंच चुके हैं। तो फ्यूचर म्यूजियम का रोड का वो साइड में है। एक्चुअली मैं इस साइड में आया हूँ इसीलिए हूँ कि आप लोग को इसका आउटसाइड का नज़ारा पहले दिखा दें, उसका बाद उसके इनसाइड का हम लोग देखें। अभी पहले हम लोग इसका आउटसाइड में जो नज़ारा है अभी बहुत ही खूबसूरत है, देखने लायक है। पहले हम लोग इसको इंजॉय करते हैं, फिर बाद में उसका इनसाइड में भी देखेंगे कि फ्यूचर म्यूजियम में क्या क्या बनाया है नया, कुछ देखते हैं। जो कि फ्यूचर म्यूजियम अभी बहुत ही नाम किया हुआ है। यहाँ पे जितना भी देखिएगा आप सब कॉरपोरेट ऑफिस वगैरह है, जितना फॉरेन कंपनीज वगैरह है, यहाँ का यूएई का जो बड़ा बड़ा कंपनी है सब यहीं पे ऑफिस वगैरह है। सामने सिग्नल है तो एक कलर वही सामने है आपका फ्यूचर म्यूजियम, और वो है आपका बिजनेस टावर। आप मेट्रो से चाहे तो ये मेट्रो में आ सकते हैं। फिट सेंटर मेट्रो स्टेशन का नाम है, जो कि एक्सपो लाइन में ही है। आप एक्सपो लाइन लेंगे ना तो एक्सपो लाइन में ही आपको मिलेगा। पहुंच चुके हैं फ्यूचर म्यूजियम, एकदम उसका बजट में खड़े हैं। वो जो कि हमारे पीछे है होटल मिलेनियम डाउन टाउन, वो भी बहुत फेमस होटल है। सेलिब्रिटीज वगैरह भी यहाँ रहते हैं। एकदम प्रॉपर एक गाइड रोड के ऊपर ही है फ्यूचर म्यूजियम। और इधर जो भी और एक मेट्रो स्टेशन है, तो कौन सा मेट्रो स्टेशन है वो भी हम लोग देखें। और आपको दोनों मेट्रो स्टेशन का लगभग बीचों बीच में है आपका दुबई म्यूजियम। दुबई फ्यूचर म्यूजियम, दुबई म्यूजियम और एक है ये फ्यूचर म्यूजियम है। ये आउटसाइड से तो हो गया, तो चलिए अभी इसका अंदर चलते हैं और तो देखते हैं कि दुबई फ्यूचर म्यूजियम के अंदर क्या है। तो चले अभी हम पहुंच चुके हैं फ्यूचर म्यूजियम का एकदम नीचे। चल सामने से देखिए, अभी एकदम नीचे से देखिए, ये आइकॉनिक विक्ट्री बना हुआ है, स्टेनलेस स्टील का है।
अभी हम एमिरेट टावर के इंसाइड में घुसेंगे, उसके बाद टिकटिंग का देखेंगे कि कितना क्या टिकटिंग वगैरह है, उसको भी हम शेयर करेंगे। तो चलिए टिकट निकालते हैं, उसके बाद जल्द चलते हैं, देखते हैं क्या है नहीं है। ओके लेट्स गो। यहाँ टिकट्स तो पूरा सोल्ड आउट है 7 जनवरी तक का, ये तो मैंने सोचा भी नहीं था कि ऐसा होगा। अभी यहाँ आए तो 7 जनवरी तक का टिकट यहाँ पे सोल्ड आउट है। ये अपना बैड लग है, तो पहले से ही क्या वो ऐप का थ्रू लॉगिन करना पड़ता है। मैंने सोचा था कि जैसे दुबई ट्रेन में हुआ वैसे ही हो जाएगा, वैसे आपसे आ गया, लेकिन यहाँ तो बैड लक हो गया, तो क्या कर सकते हैं। चलिए जो देखने को मिलता वही देख लीजिए। ये मैडम बताया कि 7 जनवरी तक का ये लोग का सोल्ड आउट है। कुलो कैप में भी दिखा रहा है कि अवेलेबिलिटी 14 जनवरी से है, अभी तो फिलहाल कोई चांस ही नहीं है इसके अंदर जाने का। बहुत ही डिसअपॉइंटेड लगा इतना दूर आके। ये अभी जहाँ पे मैं खड़ा हूँ ये आपका फ्यूचर म्यूजियम से एक लिंक जाता है जो कि एक ब्रिज का थ्रू और एमिरेट्स टावर की तरफ, एमिरेट्स टावर में आप जा सकते हैं इसको एक्सेस करके। तो अभी हम वही जा रहे हैं, तो वही ब्रिज है, जो ब्रिज का थ्रू पीछे आप देख सकते हैं ये फ्यूचर म्यूजियम। फ्यूचर म्यूजियम से निकल के एक लिंक है जो कि सीधे एमिरेट्स टावर की तरफ जाते हैं, एमिरेट्स टावर में ही हम जा रहे हैं। फ्यूचर म्यूजियम का जो बिल्डिंग है उसे ये सम्मान प्राप्ति हुई है कि वो दुनिया का सबसे खूबसूरत बिल्डिंगों में से एक है।